everyone, this is Manoj and welcome to my channel Life by Study Fun. So guys, today we are talking about some important name reactions of an organic chemistry जो काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक जेई, लाइक नीट, लाइक आईएससी बोर्ड एग्जाम या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में. सो लेट्स मूव और देखते हैं कि आज हम कौन से नेम रिएक्शन की बात करने वाले गाइस. सो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं तो वी हैव लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन. सो गाइस, लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन इज शोन बाय एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइंस. सो गाइस, लिबरमैन रिएक्शन जो है वो कौन शो करता है? एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइंस. सेकेंडरी का मतलब यहां पर 2 डिग्री वाला अमाइन. इस रिएक्शन में गाइस जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, द रिएजेंट व्हिच वी यूज इन लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन इज, उसे हम लोग कहते हैं गाइस नाइट्रस एसिड. वी कॉल इट नाइट्रस एसिड. और नाइट्रस एसिड होता क्या है? नाइट्रस एसिड होता है HNO2. अभी प्रिपेयर कैसे होता है गाइस? अगर नाइट्रस एसिड की हम लोग बात करते हैं, ये प्रिपेयर होगा व्हेन वी रिएक्ट NaNO2 विद dilute HCl, then it shows a double displacement reaction. ये यहाँ पे double displacement reaction दिखाएगा. It means ये यहाँ पे ion का exchange करेगा. Ions का exchange कैसे होगा? जैसे आगे वाला positive, पीछे वाला negative, आगे वाला positive, पीछे वाला negative. तो sodium जो positive है, वो दूसरे वाले compound के negative ion को ले जाएगा. And there is a formation of NaCl. ऐसी ये वाला hydrogen दूसरे वाले कंपाउंड के नेगेटिव आयन को ले जाएगा. एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ HNO2 व्हिच वी कॉल नाइट्रस एसिड व्हिच इज आल्सो बी रिटर्न्ड एज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, होनो भी हम लोग कहते हैं. किसको कहते हैं? नाइट्रस एसिड को, जो एक्ट करता है एज अ रिएजेंट इन लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन में. गाइस मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ. लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है गाइस, जो मेन प्रोडक्ट मिलता है, वी कॉल इट नाइट्रोसो अमाइन. हमें यहां पे एज अ मेन प्रोडक्ट मिलता है गाइस इस रिएक्शन में. मेन प्रोडक्ट जो किस कलर का होता है? इट इज येलो ऑयली कंपाउंड विच इज इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड. मूव करते हैं गाइस फोर्थ पॉइंट की तरफ. फोर्थ पॉइंट क्या है गाइस यहां पे? कि इस रिएक्शन को, लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन को हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश सेकेंडरी अमाइन फ्रॉम प्राइमरी और टर्शियरी अमाइन. क्या बोला मैंने? मैंने कहा दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश सेकेंडरी अमाइन फ्रॉम प्राइमरी एंड टर्शियरी अमाइन. सो गाइस, ये थे कुछ की पॉइंट्स. तो चलिए मूव करते हैं, रिएक्शन देखते हैं लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन की. सो अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूं गाइस, सो वी हैव 2 डिग्री सेकेंडरी अमाइन हमारे पास होना चाहिए. एंड वी रिएक्ट इट विथ नाइट्रस एसिड HONO, नाइट्रस एसिड. एंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा? एंड वी गेट नाइट्रोसो अमाइन विच इज येलो ऑयली कंपाउंड एंड इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड. सो गाइस कैसे देखेंगे रिएक्शन को? रिएक्शन बड़ी सिंपल है. अगर मैं 2 डिग्री वाले अमाइन को पकड़ता हूं, सो वी हैव CH3, वी हैव N, वी हैव H एंड वी हैव CH3 गाइस. इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेकेंडरी. क्यों बोला? क्योंकि दो जगह से प्रोटेक्ट है, मतलब ये 2 डिग्री वाला है. नाम कैसे लिखेंगे? N पे मिथाइल है. इट मींस इसका नाम होगा N डाइमिथाइल अमाइन. जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे गाइस नाइट्रस एसिड के साथ, तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा? हमें पता है कि OH का नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज होता है. तो यहां से वाटर क्या हो जाएगा गाइस? बाहर हो जाएगा. वाटर यहां से जैसे ही रिमूव हुआ, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा नाइट्रोजन, हमें मिलेगा CH3. एंड दिस नाइट्रोजन इज अटैच विद अनदर नाइट्रोजन, having double bond of oxygen guys. और ये जो कंपाउंड यहां पे बना गाइस, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोसो अमाइन. एक्चुअल नाम क्या है इसका? एक्चुअल नाम है गाइस इसका N पे मिथाइल. इट मींस N, N डाइमिथाइल
डाइमिथाइल नाइट्रोसो अमाइन गाइस, तो इसका नाम है NN डाइमिथाइल नाइट्रोसो अमाइन। सो गाइस ये था लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।